वेलकम टू बाल गोविंदम। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर टू ऑफ साइंस, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। इन दिस वीडियो वी नो अबाउट हाउ प्लांट्स सर्वाइव इन डिफरेंट रीजन्स। सो फर्स्ट वी नो अबाउट हैबिटेट। प्लांट्स ग्रो इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ। प्लांट्स अर्थ की सभी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन द लैंड व्हाइल अदर्स आर सीन ग्रोइंग इन द वाटर। कुछ प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं और कुछ वाटर में भी ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन मर्शी एंड डैम्प एरियाज व्हाइल अदर्स ग्रो इन ड्राई डेजर्ट रीजन्स। कुछ प्लांट्स मर्शी यानी दलदली जगह पे और डैम्प यानी कि मॉइस्ट जगहों पे ग्रो करते हैं एंड कुछ डेजर्ट एरियाज में भी ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। द नेचुरल एनवायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लाइव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और नेचुरल एनवायरमेंट जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लाइव्स करते हैं या सर्वाइव करते हैं उसे ही हैबिटेट कहा जाता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, एडप्टेशंस। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हर अलग प्लांट अलग हैबिटेट में ग्रो करता है। ईच हैबिटेट इफेक्ट्स द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट इन अ डिफरेंट वे। और हर हैबिटेट डिफरेंट वे में प्लांट्स को ग्रो करने में अफेक्ट करता है। अ कैक्टस प्लांट कैन ग्रो वेल इन डेजर्ट हैबिटेट व्हाइल अ लोटस प्लांट मे नेवर बी एबल टू सर्वाइव इन द सेम हैबिटेट। ये कह रहा है कि कैक्टस प्लांट जो होता है वो डेजर्ट में ही सर्वाइव करता है, अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन यदि हम लोटस प्लांट की बात करें तो वो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकता, उसी सेम हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। दिस इज बिकॉज द कैक्टस प्लांट हैज सेवरल फीचर्स दैट हेल्प इट टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द डेजर्ट एनवायरमेंट। इसीलिए क्योंकि कैक्टस प्लांट में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो डेजर्ट में भी सर्वाइव करने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए कैक्टस डेजर्ट हैबिटेट में अच्छे से ग्रो करता है। दीज स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प द प्लांट्स ग्रो वेल इन देयर पर्टिकुलर हैबिटेट आर नोन एज एडप्टेशंस। प्लांट के कुछ ऐसे फीचर्स जो उन्हें पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो करने में, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं उसे ही एडप्टेशंस कहा जाता है। नाउ वी लर्न अबाउट द एडप्टेशंस ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स। First is terrestrial and the second one is aquatic plant. So now we learn about terrestrial plants. Plants that grow on land are called terrestrial plants. जो plants land पे grow करते हैं उन्हें terrestrial plants कहा जाता है। Terrestrial plants are of different types. Terrestrial plants अलग अलग type के होते हैं, different type के होते हैं। Some grow in deserts while some grow in very cold region of अर्थ। कुछ जो होते हैं वो डेजर्ट में ग्रो करते हैं और कुछ कोल्ड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस ईच प्लांट हैज डिफरेंट अडेप्टेशंस। और इन्हीं डिफरेंस के कारण हर प्लांट का अलग अडेप्टेशन होता है, अलग स्पेशल फीचर्स होता है। सो इन दिस पिक्चर देयर आर सम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स शोन। Now we talk about adaptations of plants growing in desert. The desert regions are mostly dry and very hot throughout the year. Desert regions जो होते हैं वो mostly dry और very hot होते हैं पूरे year ही। There is little rainfall and the soil is sandy. और यहाँ पे बहुत कम rainfall होती है और यहाँ की soil भी sandy होती है। As there is little water, desert plants such as cacti have special features that help them survive in minimum amount of water. यहाँ पे पानी भी कम होता है, पानी की भी कमी होती है, इसीलिए यहाँ के प्लांट्स जैसे कि cacti, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल फीचर्स होता है जिससे कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में भी सर्वाइव कर लेता है, कम पानी में भी सर्वाइव कर लेता है। द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म स्पाइन्स। और इन प्लांट्स में लीव्स स्पाइन्स यानी कि कांटे के फॉर्म में डेवलप हो जाती है। दिस प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। और
ये वाटर को लॉस होने से बचाती है, प्रिवेंट करती है. द स्टेम्स आर थिक एंड फ्लैशी एंड दिस अलाउज देम टू स्टोर वाटर. और इनकी स्टेम थिक यानी कि मोटी और फ्लैशी यानी कि गुदगुदी होती है, जिससे कि ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं. दे आर ग्रीन एंड हैव स्टोमेटा बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस फॉर द प्लांट. ये ग्रीन होते हैं और इनमें स्टोमेटा भी होता है, जिसके कारण ये प्लांट्स के लिए इजीली फोटोसिंथेसिस को कैरी करने में एबल होते हैं. द रूट्स आर लॉन्ग एंड ग्रो जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस. और इनकी रूट्स लंबी होती है और ग्राउंड सरफेस में ग्रो करती है. दिस अलाउज देम टू एब्जॉर्ब इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. और ये जस्ट नीचे होने के कारण जो ग्राउंड पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉल कर रहा होता है उसे भी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है. नाउ वी नो अबाउट स्पेशल एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट. प्लांट्स ग्रोइंग इन द डेजर्ट्स ब्लूम आइदर एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग. दिस एडेप्टेशन प्रिवेंट्स द डेलिकेट फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम बींग डिस्ट्रॉयड बाय द एक्सेस हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम. डेजर्ट में ग्रो करने वाले प्लांट रात को या दिन में जल्दी उगते हैं और ये एडेप्टेशन प्लांट्स के डेलिकेट यानी कि नाजुक फूलों को डे टाइम में सन की एक्सेस हीट से डिस्ट्रॉय होने से प्रिवेंट करते हैं फ्लावर्स को. सो नाउ वी नो अबाउट एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हील्स. अब हम माउंटेन्स और हील्स पे ग्रो होने वाले प्लांट्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं. माउंटेन एंड हील टॉप्स रिसीव अ लॉट ऑफ सनशाइन एंड रेनफॉल. माउंटेन और हील पे सनलाइट और रेनफॉल दोनों ही अच्छी रिसीव होती है. सम ऑल्सो रिसीव अ गुड अमाउंट ऑफ स्नोफॉल. और कहीं कहीं स्नोफॉल्स भी अच्छे होते हैं. सो द ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. तो वहाँ की ट्री की ब्रांचेस स्लोपिंग होती है. द लीव्स आर थिन एंड निडल लाइक टू प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम रेस्टिंग ऑन देम. और वहाँ के प्लांट्स की लीव्स थिन और निडल लाइक होती है, जिससे कि स्नो लीव्स पे बैठ नहीं पाती है और इजीली स्लोप होने के कारण नीचे गिर जाती है. कहने का मतलब यह है कि वहां की लीव्स पतली और निडल लाइक होती है, जिससे कि स्नो जो होती है वहां पे बैठ नहीं पाती है, नीचे गिर जाती है इजीली. द ट्रीज आर एवरग्रीन एंड डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वंस. वहां के ट्री एवरग्रीन होते हैं और कभी भी शेड नहीं होते, जड़ते नहीं है. सो दे आर ग्रीन एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर. तो ये हर साल ग्रीन ही दिखाई देते हैं, एवरी टाइम ग्रीन रहते हैं, इसीलिए इनको एवर ग्रीन भी कहा जाता है. पाइन एंड फिर ट्रीज आर कॉमनली फाउंड इन सच रीजन. पाइन ट्री और फिर ट्री इन जगहों पे कॉमनली हम देख सकते हैं, देखने को मिलते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन कोस्टल रीजन्स. अब हम बात करते हैं कोस्टल रीजन्स के प्लांट्स के एडेप्टेशंस के बारे में. द कोस्टल रीजन्स जनरली रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल अलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अ लॉट ऑफ सनशाइन. कोस्टल रीजन्स में जनरली स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और सनशाइन भी अच्छी रहती है. द सॉइल इज सैंडी एंड द एयर इज ह्यूमिड थ्रू आउट द एयर. वहाँ की सॉइल भी सैंडी होती है और एयर जो होती है वो ह्यूमिड होती है हमेशा ही. कोकोनट पाम दैट ग्रो इन कोस्टल रीजन्स हैव सेवरल फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन द हैबिटेट. कोकोनट पाम जो कि कोस्टल रीजन्स में ग्रो करता है उसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिससे कि वो वहाँ के हैबिटेट में सर्वाइव कर पाता है. द लीव्स आर एलोंगेटेड एंड डिवाइडेड इनटू थिन स्ट्रिप्स टू विथस्टैंड द स्ट्रॉन्ग विंड्स. लीव्स जो होती है वो लॉन्ग होती है और थिन स्ट्रिप्स में डिवाइडेड
होती है, और स्ट्रांग विंड होते हुए भी लीव्स स्टैंड होने में एबल रहती है। कहने का मतलब है कोकोनट प्लांट में लीव्स लॉन्ग होती है और थिन स्ट्रिप में कन्वर्ट की हुई होती है, डिवाइडेड होती है, और स्ट्रांग विंड चलने पर भी वहाँ ये ट्रीज सरवाइव कर पाते हैं। द रूट्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रांग टू हेल्प द प्लांट्स होल्ड ऑन फर्मली टू द सैंडी सॉइल। रूट्स लॉन्ग और स्ट्रांग होती है जो कि प्लांट्स को सॉइल में मजबूती से होल्ड करने में हेल्प करती है। द स्टेम एंड ब्रांचेस आर स्ट्रांग एंड फ्लेक्सिबल टू टॉलरेट द स्ट्रांग विंड्स। और इन प्लांट्स की स्टेम और ब्रांचेस भी बहुत स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होती है, जिससे ये स्ट्रांग विंड को इजीली सहन कर पाती है, टोलरेट कर पाती है। द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स इज शाइनी टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन देम। वहां के प्लांट्स की लीव्स अपर सरफेस से शाइनी होती है और इसी कारण वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। द शाइनी सरफेस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लीव्स फ्रॉम द एक्सेस मॉइस्चर इन द एयर। शाइनी सरफेस लीव्स को हवा में जो नमी होती है उससे भी प्रोटेक्ट करके रखती है। द फ्रूट्स आर लार्ज एंड हॉलो फ्रॉम इनसाइड। और यहाँ के फ्रूट्स जो होते हैं वो लार्ज, बड़े और हॉलो, अंदर से हॉलो होते हैं, मतलब अंदर से खोखले होते हैं। द एयर इनसाइड द फ्रूट हेल्प इट टू फ्लोट ऑन द वॉटर एंड रिच द शोर इजीली। और फ्रूट के अंदर जो एयर होती है वो पानी में फ्लोट करने में हेल्प करती है फ्रूट को, और इजीली एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देती है। एंड द लास्ट वन इज एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स इन मर्शी एरियाज। अब हम मर्शी एरियाज के प्लांट्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्टली, मर्शी एरियाज जहाँ दलदली जगह होती है उसे कहा जाता है। मर्शी एरियाज आर प्लेसेस वेयर द लैंड इज मोस्टली कवर्ड विथ वाटर। वहाँ की लैंड मोस्टली वाटर से कवर्ड होती है। द सॉइल इज स्टिकी विथ वेरी लिटिल एयर। और वहाँ की सॉइल चिपचिपी होती है और उसमें कम एयर होने के कारण चिपकी हुई रहती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन सच एरियाज आर कॉल्ड मैनग्रोव्स। और इन एरिया में मैनग्रोव्स प्लांट ग्रो करते हैं। एज देयर इज वेरी लिटिल एयर इन द सॉइल द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो अबाउट द ग्राउंड टू टेक इन एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर। सॉइल में कम एयर होने के कारण इन प्लांट्स की रूट्स ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है, जिससे कि एटमोसफेयर के एयर को इजीली वो ले पाए या फिर ब्रीथ कर पाए। आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे रूट्स ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर रही है। नाउ वी टॉक अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स। पहले तो हम देखते हैं एक्वेटिक प्लांट होते कौन से हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशंस आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशियन, इन सब में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। सो सम अडेप्टेशंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब हम कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के अडेप्टेशन के बारे में जानते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स सच एज लॉटस एंड वाटर लिली आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। एक्वेटिक प्लांट लॉटस और वाटर लिली जो कि वाटर बॉडी के बॉटम से ही फिक्स्ड होती है, देयर लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। उनकी लीव्स वाटर के सरफेस पे इजीली फ्री फ्लोट होती रहती है। दे हैव हॉलो स्टेम्स फिल्ड विद एयर। इनकी स्टेम जो होती है वो हॉलो यानी कि खाली खोखली होती है और इनके अंदर एयर फिल्ड होती है। दिस मेक्स द प्लांट बॉडी लाइट एंड हेल्प्स द लीव्स टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और इसी कारण प्लांट की जो बॉडी होती है वो लाइट यानी कि हल्की होती है और प्लांट की लीव्स इजीली वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर पाती है। द लीव्स आर फ्लैट एंड ब्रॉड सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट।
लीव्स जो होती है वो फ्लैट होती है और ब्रॉड होती है, यानी कि खुली हुई होती है, फैली हुई होती है, जिससे कि वो इजीली मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाती है। प्लांट्स दैट ग्रो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर हैव थिन एंड लॉन्ग रिबन लाइक लीव्स दैट हेल्प देम टॉलरेट द स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनकी लीव्स लॉन्ग, लंबी और रिबन लाइक होती है, जो कि पानी के करंट को, पानी के फ्लो को इजीली सहन करने में हेल्प करती है। हाइड्रिला इज एन अंडरवाटर प्लांट। हाइड्रिला जो है वो अंडरवाटर प्लांट है, जो कि आपको पिक्चर में दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसकी जो लीव्स है वो एकदम रिबन लाइक है और ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। अब हम जो जितना भी चैप्टर पढ़ा था वो रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। अभी हमने लास्ट पढ़ा था एक्वाटिक प्लांट, जो कि हॉलो स्टेम होती है और थिन रिबन लाइक लीव्स होती है। और हमने बात की थी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में, जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं। फर्स्ट हमने बात की थी डेजर्ट्स, जिसमें लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन, लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, थिक फ्लैशी ग्रीन स्टेम, और इनकी स्टेम थिक मोटी फ्लैशी गुदगुदी और ग्रीन होती है। और क्या होता है इनमें, लॉन्ग रूट्स बिलो ग्राउंड सरफेस, और इनकी जो रूट्स होती है वो लॉन्ग होती है और ग्राउंड के सरफेस पे होती है, ग्राउंड के सरफेस के अंदर होती है। नेक्स्ट पढ़ा था माउंटेन्स एंड हिल्स, स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, उनकी जो ब्रांचेस होती है वो स्लोप्ड होती है, निडल लाइक लीव्स होती है और एवरग्रीन ट्रीज होते हैं ये। फिर हमने बात की थी कोस्टल रीजन्स के बारे में, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स होती है, फ्लेक्सिबल स्टेम एंड ब्रांचेस होती है और शाइनी एंड एलोंगेटेड लीव्स होती है। एंड हमने लास्ट बात की थी मर्शी एरियाज के बारे में, रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, जिनकी रूट्स जो होती है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है, उन्हें मर्शी एरियाज के प्लांट्स कहा जाता है। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। थैंक यू।